हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 3। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरी पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है नॉमेनक्लेचर की, तो उसे ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और एक और रिक्वेस्ट है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इटसेल्फ आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लिगैंड के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, वरना आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नॉमेनक्लेचर की पार्ट 3 की वीडियो से, ठीक है। तो इसमें जनरली हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ओके, हम सारे एग्जांपल्स के नाम लिखेंगे और फिर हमारी पार्ट 4 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, ओके। अगर आईयूपीएसी नाम आपको दिया हो तो हम कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं हम अपना सबसे पहले वाला एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें आयन एक मेटल आयन है, वाटर और अमोनिया एक लिगैंड की तरह काम कर रहा है। तो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो वाटर को हम बोलते हैं एको, ओको, और अमाइन बोलते हैं अमोनिया को। जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा 2 M यूज़ होते हैं, ओके, अदरवाइज आपने अगर 1 M लिखा तो रॉन्ग हो सकता है। चलिए नाम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है अल्फाबेटिकली M कम्स बिफोर Q, तो पहले हम लिखेंगे ट्राई अमाइन, जी डबल M का ध्यान रखिएगा, फिर ट्राई एको, और फिर हम लिखेंगे आयरन, ओके। इंग्लिश नाम यूज़ करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है, आयन 0। कॉम्प्लेक्स लिखना है तो लिखिए, वरना कोई बात नहीं। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ओके। तो मैं आपको एक बार वापस बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर आपकी लिगैंड की वीडियो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है, तो आप ज़रूर देखिए लिगैंड की वीडियो और उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो दो लिगैंड हैं वो है फ्लोरीन और क्लोरीन, और अल्फाबेटिकली वी नो दैट फ्लोरीन कम्स लेटर एंड क्लोरीन कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले डाई क्लोरीडो, और फिर आएगा डाई फ्लोरीडो, ओके, और फिर इसमें आ जाएगा क्यूपरेट। क्यों सर? क्योंकि आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल आयन का लैटिन नाम यूज होगा, ओके, क्यूपरेट टू आयन, ओके। अब इसमें कुछ लोगों को ये भी तकलीफ हो सकती है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कैसे 2 पता चला आपको, तो इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, हाउ टू फाइंड आउट दी चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, तो आप उसे देख लीजिए, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, अरे हाँ, यहाँ पे आप क्यूपरेट 2 के बाद आयन लिख दीजिएगा, जो कि ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे आयन लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कॉपर है, ओके, और जो लिगैंड है वो इथिलीन डायमीन है, ओके, इथिलीन डायमीन, जो कि एक ऑर्गेनिक लिगैंड है, तो उसके लिए हम स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ, तो इसका नाम मैं लिखूँगा बिस, फिर ब्रैकेट में इथिलीन डाई अमीन। तो आप एक चीज़ आपने ज़रूर देखा होगा, यहाँ पे मैंने सिंगल M का यूज़ किया है और ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉपर, ओके, कॉपर, और फिर ब्रैकेट में आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो है 2+, और OCl के ऊपर चार्ज है -1, सो टोटल 2 × 1 बिकम -2, और ये बना है हाइपोक्लोरस एसिड से। जी हाँ, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl, ओके, और इसमें से H+ निकाल दिया, तो 1 लीटर का गैप रख देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाइपोक्लोराइट, याद रखिएगा यहाँ पे T है, T, वापस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप IUPAC नॉमनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के
आईपीसी नोमेनक्लेचर को जाके देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि है कुछ इस तरह से। ओके तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टिटेनियम सेंट्रल मेटल है और फ्लोरीन काम कर रहा है एक लिगैंड की तरह, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इसका नाम होगा हेक्सा फ्लोरीडो टाइटनेट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 4 और उसके बाद लिख देंगे आयन। ओके तो इसका नाम था हेक्सा फ्लोरीडो टाइटनेट, इसलिए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, इसलिए हमने ATE कर दिया। और ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, लेट मी करेक्ट इट। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पे होगा 2। ओके तो यहाँ पे होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है सिल्वर। ओके वो है सिल्वर, और जो नेक्स्ट वाला है वो है एक लिगैंड जो कि है अमोनिया, और जिसे हम कह सकते हैं अमाइन। ओके और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है नाइट्राइड, तो इसके ऊपर चार्ज होता है -3 और इसके ऊपर चार्ज है +1, इसीलिए यहाँ पे 3 आया। जैसे सपोज मेरे पास है ए प्लस और है बी 3-, तो ये 1 और ये 3, सो इन दिस वे इट विल बी A3B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लिगैंड का नंबर दैट इज डाई, और फिर अमीन, आप MM लिखना मत भूलिएगा, फिर आएगा सिल्वर, और फिर पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 1 है, और फिर 1 लेटर का गैप रखेंगे, आप डैश बिल्कुल मत मारिएगा, 1 लेटर का जस्ट गैप रखना है, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे नाइट्राइड, क्योंकि इस आयन का नाम है नाइट्राइड। ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जिसमें जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम वो है एक सेंट्रल मेटल आयन और 5 क्लोरीन के लिगैंड है और 3 अमाइड लिगैंड है, मतलब टोटल ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल -8। और आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 है, तो -8 से -2 लाने के लिए कितना ऐड करेंगे, +6। जी हाँ वही है यहाँ पे ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके तो अल्फाबेटिकली अमाइडो पहले आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई अमाइडो, और फिर लिखेंगे पेंटा क्लोरीडो। ओके और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम लिखेंगे ऑस्मेट, और यहाँ पे लिख देंगे 6, और फाइनली लिख देंगे आयन। ओके तो इसका नाम हो गया ट्राई अमीडो क्योंकि नेगेटिव लिगैंड, और फिर 5 क्लोरीडो पेंटा क्लोरीडो, एंड फिर ऑस्मेट 6 आयन, ये 6 इसका चार्ज है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है निकल, और जो लिगैंड है वो है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ओके डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ठीक है तो अब इसके नाम मैं लिख देता हूँ, तो सबसे पहले आ जाएगा बिस। सर बिस क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक लिगैंड है, और फिर ब्रैकेट, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगैंड के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और फिर इसका नाम लिखेंगे डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। सर ओ क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव लिगैंड है, और फिर आ जाएगा निकल, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ओके सर डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में कितना चार्ज होता है? जी हाँ इस पे चार्ज होता है -1, और निकल हो गया यहाँ पे +2, क्योंकि टोटल यहाँ पे 2 लिगैंड है, तो टोटल -2 एंड +2, सो टोटल चार्ज कम्स आउट टू बी 0। ठीक है चलिए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है एसीटेटो। जी हाँ वो है एसीटेटो,
सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो है वेनेडियम। जी हाँ, बस एक बार और कहूँगा मैं, वो है वेनेडियम, और जो लिगैंड है वो है एसीटेटो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस क्यू। अगेन इट इज़ एन ऑर्गेनिक लिगैंड जिसका पूरा नाम होता है एसिटाइल एसीटेटो। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस एसिटाइल एसी टो नेटो। ओके, तो इस लिगैंड का नाम है एसिटाइल एसीटेनो एसी टोनोएट। ओके, एसिटाइल एसीटोनोएट, तो इसका नाम हम लिख देंगे एसिटाइल एसी। यहाँ पे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है, सो लेट मी करेक्ट, सॉरी आई नो आपको तकलीफ हो रही है। यहाँ पे मैं ई को लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एसिटाइल एसीटोनेट, इसका नाम होता है एसिटाइल एसीटोनेट, तो इसे लिख देंगे एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, और फिर हमारा सेंट्रल मेटल जो कि है वेनेडेट। ओके, और फिर उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +2। ठीक है, क्योंकि एसिटाइल एसीटोनेटो में जो चार्ज होता है वो होता है -1। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर आपको लिगैंड को लेके कोई इशू है तो आप मेरी लिगैंड वाली वीडियो देख सकते हैं, एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। और हम लिख देंगे यहाँ पे आयन, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ, जिसका जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है कोबाल्ट। ओके, वो है कोबाल्ट, और जो लिगैंड है वो है नाइट्रीटो। ओके सर, आप नाइट्रीटो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक नेगेटिव लिगैंड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का नाम लिखेंगे जो कि है लिदियम। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिदियम, फिर 1 लीटर का गैप रखेंगे और फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको स्मॉल ही रखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिर्फ कैपिटल होता है। तो ये हो जाएगा लिदियम हेक्सा नाइट्रीटो, हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्टेट 3। ओके सर, 3 कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट है +3 और ये टोटल -6, तो टोटल चार्ज -3। उस -3 को बैलेंस करने के लिए 3 लिथियम प्लस आयन आ गए, जिसका नाम हो गया लिथियम हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्टेट। ओके, कोबाल्टेट 3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से ATE लगाना जरूरी हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आप इसी का नाम हेक्सा नाइट्रीटो ओ करके भी दिखा सकते हैं, ओ करके भी दिखा सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन डोनर है। और नहीं दिखाया तो कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि अगर ये NO2 होता, अगर ये NO2 होता तो हम सब जानते हैं इसका नाम होता है नाइट्रो। ओके, तो नाइट्रीटो से समझ में आता है कि जो डोनर है वो ऑक्सीजन एटम है नाइट्रोजन का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है कुछ इस तरह से। इसमें सेंट्रल मेटल है कॉपर और जो लिगैंड है वो है ग्लाइसीनेट। ओके, ग्लाइसीनेट का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये होता है CH2COO- और ये NH2, तो इस पे चार्ज होता है सिर्फ -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिस। सेट्रिस क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक लिगैंड है। ठीक है, और इनके लिए हम स्पेशल नाम लिखते हैं। और ऑर्गेनिक के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है, तो जहाँ पे भी बाइडेंटेड लिगैंड यूज़ होती है वहाँ पे हम स्पेशल प्रिफिक्स यूज़ करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे इथिलीन डायमीन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने बिस यूज़ किया है। चलिए मैं रेड कलर से ही शो करता हूँ, और फिर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे भी हमारा जो लिगैंड है वो डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो है, जो कि एक बाइडेंटेड लिगैंड है। ओके, और सेम यहाँ पे एसिटाइल एसीटोनेट, इसके लिए भी हम ट्रिस यूज़ करेंगे। इसके लिए बिस यूज़ किया था, इसके लिए ट्रिस यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉलीडेंटेड लिगैंड के केस में हम स्पेशल प्रिफिक्स
प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि मैं बताने ही जा रहा हूँ, इसका नाम हो जाएगा ट्रेस, ओके, ट्रेस, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे ग्लाइसिनेटो, ट्रेस ग्लाइसिनेटो, और फिर ब्रैकेट को क्लोज, और फिर आ जाएगा क्यूपरेट। सर क्यूपरेट क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एंड क्यूपरेट सर यहाँ पे -1 ही है सिर्फ, तो ग्लाइसिनेटो तो 3 है, तो टोटल -3 हो जाएगा, और एक यस, तो यस यहाँ पे कॉपर है वो +2 के फॉर्म में है, ओके। तो ये हो जाएगा ट्रिस ग्लाइसिनेटो क्यूपरेट 2 आयन। चलिए अब लगे हाथ हम अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हमारा अगले एग्जाम्पल में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है Fe, जिसे हम कहते हैं आयरन, ओके। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है नेगेटिव, और वो टोटल है 3 नेगेटिव। सर आपको कैसे पता चला? सिंपल, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है वो अमोनियम है, ओके, और अमोनियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सिंपल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वो नेगेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई अमीन, ओके, तो इसका नाम हो गया ट्राई अमीन। ओ ओ ओ ओ यहाँ पे तो 4 है, तो इसका नाम अमीन के बदले अमोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम। तो चलिए मैं अपनी मिस्टेक को सुधारता हूँ, होता है ऐसे लॉन्ग लेक्चर बनाने में मिस्टेक हो जाते हैं, ओके। सो ये हो गया ट्राई अमोनियम, ओके। सो ये हो गया ट्राई अमोनियम, और फिर एक लेटर का गैप रखेंगे, और फिर हम लिखेंगे ट्राई, फिर एक ब्रैकेट में ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे फेरेट, फेरेट 3, और फिर लिख देंगे आयन। सर अभी यहाँ पे एक डाउट आता है, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जब भी बाइडेंटेड लिगैंड होगा तो हम बेस ट्रिस टेट्रा की ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, तो सर आपने यहाँ पे ऑक्सलेटो के लिए ट्राई क्यों यूज किया? सर तो आप याद रखना, ऑक्सलेटो एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें हम ट्राई और ट्रिस दोनों यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है जिंक, ओके। तो जिंक है, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है 2-। सर कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है लीडियम, और लीडियम एक पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन का होने का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इसका नाम आ जाएगा लीडियम, ओके। और यहाँ पे मुझे एक मेरी मिस्टेक याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे मैंने ट्राई अमोनियम लिखा था, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ट्राई अमोनियम लिखा था, वो जस्ट मुझे अभी याद आ रहा है कि यहाँ पे ट्राई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हम कभी भी कैटायन और अनायन के नंबर मेंशन नहीं करते, हम कैटायन और अनायन के नंबर मेंशन नहीं करते। जैसे कि सपोज मैं अगर कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया ये वाला एग्जाम्पल Al2SO4, सपोज मैं ले लेता हूँ Al2SO4, तो इसका सिंपल नाम हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे भी ट्राई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छी बात है, मुझे अभी तुरंत पकड़ में आ गया, अदरवाइज़ वीडियो के एंड में काफ़ी परेशानी होती है, कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो हमारे प्यारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, और मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, और बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ओके, मैं उसे करेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो दिस इज लीडियम, और फिर एक लेटर का गैप रखेंगे, और फिर आ जाएगा यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, क्योंकि हाइड्रोक्साइड लेंगे लिगैंड है, और फिर लिखेंगे हम इसे जिंकेट, ओके। और फिर जो पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज 2, और फाइनली लिख देंगे आयन। तो जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लीडियम के नंबर को मेंशन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे लीडियम के नंबर को मेंशन नहीं किया, जबकि लीडियम कितना है? 2, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का रूल है, ये कोई स्पेशल रूल नहीं है, हम इनऑर्गेनिक के रूल को ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल में आगे की तरफ,
और ये है हमारा कुछ स्पेशल एग्जांपल जिसमें है ये 4 और ये 3 है। ओके तो अगर मैं इस एफ ई को प्लस 2 मान लूँ तो टोटल चार्ज आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना, -4, और -4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ओके सर 3 कहाँ से लिए जी, ये वाला 3, तो ये हो गया -12। अब इस -12 को बैलेंस करने के लिए +12 आना चाहिए, तो जी हाँ ये एफ ई है +3। सर बट आपको तो पता था ऑलरेडी, अगर हमें नहीं पता है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो आप ऑपोजिट मान लीजिए ना, क्या फ़र्क है। चलिए अगर आप इसको +3 मान लेते हैं तो टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एक साइनाइड का -1 तो 6 का -3, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा -3, और -3 थ्रीजा कितना हो जाएगा -9, जो कि 4 से कभी बैलेंस नहीं होगा। अगर आप एफ ई को +2 भी ले लेते हो तो ये +8 हो जाएगा, जो कि इसको बैलेंस करने वाला नहीं है, तो आपका रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब एफ ई का जो चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो होगा +2 और बाहर है +3। तो चलिए नाम लिखते हैं, तो इसका नाम होगा कुछ इस तरह से, तो इसका नाम हो गया फेरिक। सर फेरिक क्यों, क्योंकि बाहर वाले मेटल आयन का चार्ज है +3 और अंदर आ जाएगा हेक्सासाइनिडो और यहाँ पे आ जाएगा फेरेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और ये हो गया आयन। तो ये हो गया फेरिक हेक्सासाइनिडो फेरेट 2 आयन। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कटायन और नायन के हम नंबर को मेंशन नहीं करते प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि है कुछ इस तरह से। अब इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है प्लैटिनम, जी हाँ वो है प्लैटिनम, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई की है पोटाशियम ने, तो इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम। देखिए यहाँ पे भी मैं नंबर को पोटाशियम के मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और फिर आ जाएगा टेट्रा क्लोरीडो 1 लीटर का गैप रख के, और फिर फाइनली आएगा प्लैटिनेट। सर प्लैटिनेट क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है -2, क्योंकि प्लैटिनम है +2 और ये हो गया आयन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और लिखते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड का नाम। आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि सर आप बार बार मिटाते क्यों जा रहे हो, तो बच्चों स्पेस की कमी है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सब कुछ करना है इसके लिए। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 ऑक्सीजन है जिसमें एक ऑक्सीजन का चार्ज है -2, सो ओवरऑल -8 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज 2-, इसका मतलब जो क्रोमियम है वो +6 है। सर ये कैसे हुआ, तो देखिए 4 × 2 कम्स आउट टू बी 8 और चार्ज माइनस होने की वजह से ये -8 आएगा, ठीक है। और इसमें कौन से नंबर को आप जोड़ोगे कि -2 आए, जी सिंपल +6, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको इनके नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये हो गया टेट्रा ऑक्सीडो क्रोमेट 6 आयन। ओके टेट्रा ऑक्सीडो ये एक्स है, टेट्रा ऑक्सीडो क्रोमेट 6 आयन। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन Mn है और लिगैंड आप देख रहे हो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फ्लोरीन, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन, तो ये हो गया ब्रोमीडो, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीडो, फिर आ जाएगा फ्लोरीडो, जी हाँ मैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कर रहा हूँ, और फिर लास्ट में आ जाएगा आयोडीडो। तो ये हो गया कुछ इस तरह से आयोडीडो, और फिर आ जाएगा हमारा सेंट्रल मेटल आयन, ओके जो कि है मैंगनीज, और उसका यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा +6। क्यों +6, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सबका -1 मिला के टोटल हो गया -4 और बाहर जो चार्ज है वो आ रहा है +2, तो +2 लाने के लिए ऐसे कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे -4 में, जी हाँ +6 को, तो हमें मिल गया +2। और फिर
एक लिगैंड का गैप रखेंगे और लिख देंगे नाइट्रेट। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी इस नंबर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही है, और अगर कोई डाउट है रिलेटेड टू लिगैंड या कुछ भी, तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है कुछ इस तरह से। इसमें आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक सेंट्रल मेटल आयन है जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कभी कभी ऐसे भी मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हैं, तो आप टेंशन में मत आइएगा। एक सिंपल है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रिडो। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। सर, एल्यूमिनेट क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो ये हो गया 3 आयन। सो टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3 आयन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है Fe। ठीक है, और ये एक टाइप का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जहाँ जी की हाँ जी हाँ, जिसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड की तरह काम कर रहा है। तो कार्बन और जो आयन है उसके बॉन्ड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। ओके, इसके ऊपर हम स्पेशल से एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, उसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा। पेंटा क्यों? क्योंकि 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसीलिए इसका नाम हो गया पेंटा कार्बोनिल, और ये हो गया आयन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0। ओके, तो ये हो गया पेंटा कार्बोनिल आयन 0। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोर देन वन सेंट्रल मेटल आयन है। ओके, और जो लिगैंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका भी जो नंबर है वो 12 है। तो इसका नाम हो जाएगा ओ, टाई के बदले हम डो यूज़ करेंगे, क्योंकि 12 नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डोडेकेन। ओके, मेरे एग्जाम में डाई था तो मिस्टेक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डो टेका कार्बोनिल। तो ये हो गया डो डेका कार्बोनिल ट्राई आयन। ओके, डो डेका कार्बोनिल ट्राई आयरन, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई IRON, और इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ये नाम हो गया डोडेका कार्बोनिल ट्राई आयरन 0। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड है, और ये अल्कीन डेरिवेटिव है। इसमें जो दोनों ही लिगैंड है वो एक अल्कीन डेरिवेटिव है। तो जो पहला वाला लिगैंड है उसका नाम है अलाइल, और दूसरा है साइक्लोब्यूटा डाइन। और ये एक सिग्मा लिगैंड है और ये एक पाई लिगैंड है। तो अल्फ़ाबेटिकली आप देखें तो अलाइल पहले आता है और ब्यूटा डाइन बाद में आता है। तो आप इनके लिए इनके प्रीफिक्सेस मत यूज़ कीजिएगा। जैसे यहाँ पे दो है तो हम बिस बोलेंगे, इसे भी दो के लिए बिस। तो बिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। बिस का बी हम अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका नाम हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा बेस, और ब्रैकेट में आ जाएगा अलाइल। ओके, फिर उसके बाद वापस लिखेंगे बेस, और फिर ये लिखेंगे ईटा, और ये 4, फिर लिखेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन। सर, आपने पहले वाले एग्जाम्पल में ईटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक सिग्मा लिगैंड है बच्चों, और सिग्मा लिगैंड के लिए ईटा नहीं यूज़ होता, वो यूज़ होता है पाई लिगैंड के लिए। जैसे कि आप जानते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये हो गया ईटा 4 साइक्लोब्यूटा डाइन, और फिर बाहर लिखेंगे निकल, और ये हो जाएगा 2। सर, आपको कैसे पता चला 2 आएगा? क्योंकि अलाइल जो ये है C3H5, इसके ऊपर है -1 चार्ज, और ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 है। तो ये 2 होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे वो -2 हो जाएंगे। तो इसे 0 लाने के लिए हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? जी हाँ, +2, इसीलिए निकल 2 है। तो एक बार वापस बोल देता हूँ, ये हो गया बेस अलाइल बेस ईटा 4 साइक्लोब्यूटा डाइन निकल 2।
तो ये थे हमारे नॉर्मल एग्जांपल्स जिसे हमने कवर किया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पार्ट 3 में। तो चलिए अब लगे हाथ हम कुछ ब्रिजिंग लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लेते हैं। सर ये ब्रिजिंग लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जी हाँ, जिसमें कुछ लिगैंड एक स्पेशल ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो आई होप आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। अब इनके नाम लिखना है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेज या फिर ब्रिज कॉम्प्लेक्सेज वो होते हैं जिसमें ब्रिजिंग लिगैंड होते हैं। सर इसमें ब्रिजिंग लिगैंड कौन सा है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे O2-, ओके। अब O2- के ऊपर -1 चार्ज है या फिर -2 चार्ज है, ये हमें पता करना होगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड भी हो सकता है और ये सुपरऑक्साइड भी हो सकता है। तो अगर ये पेरोक्साइड होगा तो -2 इस पे आ जाएगा, तो -2 -2 बिकम -4, ओके। -2 -2 बिकम्स -4, और आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज है यहाँ पे +4, ओके। तो यहाँ पे इसका भी -2 और इसका भी -2 और हर एक कोबाल्ट है +3 +3, ओके। अगर मैं ऐसे लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैंने ऐसे ले लिया तो यहाँ पे देखोगे तो टोटल +3 +3 बिकम्स +6, और +6 में अगर हम -4 ऐड करोगे तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? +2 आएगा। तो जी हाँ, ये जो सेंट्रल में ब्रिजिंग लिगैंड जो है, जी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 के बदले -1 होना चाहिए, ओके। बट सर आपको तो ये इजीली पता चल रहा है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जाम टाइम पे? बच्चों एकदम सिंपल है ये, मैं अभी आपको एक मेथड बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 × +2, ओके। 3 × +2, सर आपने कैसे कोबाल्ट का 3 ले लिया? क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। सर कोबाल्ट का आप 3 कैसे ले रहे हो? कोबाल्ट तो +2 भी दिखाता है। तो हम दोनों लेके देखेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो सपोज मैंने कोबाल्ट का अगर आप लेके चेक करोगे तो आपको लिगैंड के ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएंगे, या फिर आप इसे एक सुपर ऑक्साइड आयन मान लोगे। अगर आप इसे एक सुपर ऑक्साइड आयन मान लेते हो या सुपर ऑक्साइड ब्रिज लिगैंड मान लेते हो तो उससे आपको कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएंगे। चलिए देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये 2x, सर x किसके लिए? कोबाल्ट के लिए। +2 × -1 -1 ब्रिज लिगैंड के लिए, ओके। +4 × -1 एंड टोटल चार्ज कम्स आउट टू बी 0। सर ये 4 × -1 किसके लिए? इसके लिए, पर ब्रोमेट आयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2x −2 −4 = 0, सो 2x = +6, सो x = +3। तो ये +3 तो बनता है, तो ये होंगे पेरोक्साइड। अगर अगर आप इसे सुपर ऑक्साइड के बदले अगर पेरोक्साइड मान लेते हैं तो इनका चार्ज -2 हो जाएगा। चलिए हम वो भी रख के देख लेते हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई शंका ना हो। तो यहाँ पे मैंने अब क्या रख दिया? यहाँ पे रख दिया मैंने 1 का -2। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा इट विल बिकम -4, सो -4 -4 विल बिकम -8। और जैसे ये -8 आएगा, सॉरी ये -8 राइट में जाके +8 हो जाएगा, तो ये हो गया +8। तो कोबाल्ट आ जाएगा +4, जो कि जनरली हमें पता है स्टेबल नहीं होता। तो जिसमें कोबाल्ट स्टेबल नहीं होता वैसे एग्जांपल हम लेते नहीं है, ओके। तो सर बट ऐसे करेंगे तो हमें तो काफ़ी टाइम लग सकता है। जी नहीं, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। आप जब बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा ये सब, ठीक है। और आईआईटी जैसी एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को पहली बार नहीं सॉल्व करते हो, वो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हुआ होना चाहिए। आई मीन टू से वैसे टाइप का क्वेश्चन, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं कि यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट फॉर 4 to 5 hours एवरी डे, जिसमें 3 घंटे की नॉर्मल पढ़ाई होती है और 2 से 3 घंटे का प्रीवियस रिविजन। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है, हम अपने एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम, ये एक सिमेट्रिकल लिगैंड है। सर सिमेट्रिकल क्यों? अगर आप इसे देखें तो ये पूरी तरह से सेम है। ये देखिए, इसका ये वाला पार्ट दूसरे पार्ट से कम्प्लीटली मिलता है, ये देखिए। सो ऐसे लिगैंड को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल लिगैंड। और आप सब जानते हैं ऐसे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी लिए हैं। तो इसके नाम 4 प्रकार से लिख सकते हैं, हालांकि मैं चारों नाम नहीं लिखूंगा, बट आप मेरे पीछे की वीडियो में जाके इसे ज़रूर देख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ऐसे
कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम एंड नंबर। ओके तो पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, तो ये हो गया टेट्रा, और पानी को हम लिखते हैं एको, और ये हो गया कोबाल्ट, और ये थ्री। और ब्रिजिंग लिगैंड को जैसे मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहाँ पे आ जाएगा डाई, क्योंकि दो सुपर ऑक्साइड है, डाई सुपर ऑक्सीडो। ओके डाई ओ ओ ओ ओ, एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ पे मैंने म्यू नहीं लिखा, क्योंकि म्यू रिप्रेजेंट करता है ब्रिजिंग लिगैंड। ठीक है तो मिस्टेक हो गई, लेटेस्ट करेक्टेड। तो ये हो गया म्यू सुपर ऑक्साइडो। फिर आप वापस आ जाइए और लिखिए, सॉरी यहाँ पे डाई म्यू सुपर ऑक्साइडो, फिर वापस आ जाइए टेट्रा एको कोबाल्ट, टेट्रा एको कोबाल्ट, और फिर हम लिख देंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर थ्री, और फिर एक लेटर का गैप रख के हम लिख देंगे पर ब्रोमेट। ओके तो इसका नाम हो जाएगा पर ब्रोमेट। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं, तो ये हो गया टेट्रा एको कोबाल्ट थ्री, डाई म्यू सुपर ऑक्सीडो टेट्रा एको कोबाल्ट थ्री पर ब्रोमेट। सर आपने पर ब्रोमेट में ये नंबर क्यों नहीं लिखा? तो मैंने जैसे कि आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नंबर मेंशन नहीं करते। ठीक है तो इसके बाकी भी और भी तरीके हैं जिसमें आप बिस से लिख सकते हो इन दोनों को, जो ब्रिज लिगैंड है ये जो आप देख रहे हो, इनको डाई म्यू सुपर ऑक्सीडो करके हम पहले भी लिख सकते हैं, तो वो तरीके मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, आप वहाँ जाके ऑलरेडी इस सब को सीख सकते हैं। ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक टाइप का सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स ही है। ये देखिए इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मिलता है। ओ ओ ओ सर आप गलती कर रहे हो, यहाँ पे देखिए ब्रिजिंग लिगैंड नहीं मिल रहे हैं। तो जी हाँ ये हो गया पार्शियल सिमेट्रिकल, ये हो गया पार्शियल सिमेट्रिकल। ओके ये हो गया पार्शियल सिमेट्रिकल। तो इसके भी नाम लिखने के तरीके मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्लेलिस्ट में जाके ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। ओके चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन। तो सबसे पहले टेट्रा आप डबल एम मत भूलिएगा, टेट्रा अमाइन क्रोमियम। सर क्रोमेट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो प्लस थ्री है, क्योंकि तीन बी आर माइनस है, और प्लस थ्री लाने के लिए हमें दोनों कोबाल्ट दोनों क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट लेने होंगे प्लस थ्री प्लस थ्री, क्योंकि प्लस थ्री बिकम्स प्लस सिक्स, और ये माइनस वन माइनस विल बिकम माइनस थ्री, तो प्लस सिक्स माइनस थ्री विल कम्स आउट टू बी प्लस थ्री। एकदम सिंपल है, या फिर जो मैंने ऊपर मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, टेट्रा अमाइन क्रोमियम थ्री। अब देखिए यहाँ पे दोनों ब्रिजिंग लिगैंड अलग अलग है, एक है परऑक्सो और दूसरा है सुपर ऑक्सीडो, या फिर आप उसे सुपर ऑक्सो भी लिख सकते हैं, परऑक्सो या फिर सुपर ऑक्सो। ओके तो हम बढ़ते हैं इसके नॉमनक्लेचर की तरफ, तो ये हो गया म्यू परऑक्सो, और फिर वापस म्यू सुपर ऑक्सो। आप सुपर ऑक्सीडो मत लिखिएगा, वो जनरली बहुत एक आध दो बुक में दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू मी द सुपर ऑक्सो इज द करेक्ट वन। ठीक है ये ओल्ड कन्वेंशन में ऐसे कहीं कहीं पे लिख दिया गया है गलती से, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया म्यू परऑक्सो म्यू सुपर ऑक्सो, फिर वापस वही टेट्रा अमीन। ओके तो ये हो गया टेट्रा अमीन, और फिर लिख देंगे क्रोमियम। ओके क्रोमियम, और फिर ये उसका नंबर थ्री जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर एक लीटर का गैप, आगे राइट साइड में जगह नहीं है तो एक लीटर का गैप रख के आप लिख देंगे ब्रोमाइड।
ओके तो ये हो गया टेट्राअमाइन क्रोमियम थ्री म्यू परोक्सो म्यू सुपर ऑक्सो टेट्राअमाइन क्रोमियम थ्री ब्रोमाइड। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, इसके तीन और भी तरीके हैं जिससे मैं नाम लिख सकता हूँ, बट ऑलरेडी वो कवर की गई है मेरी प्रीवियस वीडियो में कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज विथ ब्रिजिंग लिगैंड। तो अब मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगा कि हम इस पार्ट फोर की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट फोर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ़ आईयूपीएसी नेम इज़ गिवन। अगर आपको आईयूपीएसी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑलरेडी दे दिया गया है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे हेक्सा साइनिडो फेरेट। सपोज मैंने आपको कंपाउंड दिया हेक्सा, आईयूपीएसी नाम दे रहा हूँ उसका, हेक्सा साइनिडो फेरेट टू आयन। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Fe है, ओके, और यहाँ पे CN है, उसका नंबर भी 6 दिया है, और आप देखें यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 मेंशन है। तो अगर ये +2 तो एक साइनाइड का -1 तो 6 का हो गया -6, तो टोटल चार्ज विल बी 4 माइनस। तो इसका नाम हो गया है हेक्सा साइनिडो फेरेट टू आयन। तो ये इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अभी तक अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड वॉट एवर द डाउट्स आर देयर रिलेटेड टू वीडियोज यू जस्ट कमेंटेड इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।